दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल ट्यूटर 360 पे मैं प्रणव गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम एंटी एरोमेटिसिटी स्टडी करने वाले हैं। एंटी एरोमेटिसिटी पिछली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर में हमने एरोमेटिसिटी के बारे में जाना और मैं फिर से बोल रहा हूं कि हम छोटी छोटी वीडियो छोटे छोटे टॉपिक्स करके पढ़ेंगे और फिर कलेक्टिव कर देंगे उनको ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए एरोमेटिसिटी। तो एंटी एरोमेटिसिटी क्या है उस बात से समझने के लिए एक बार दोबारा ओवरव्यू दे देता हूं कि एरोमेटिसिटी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड कौन से थे, जो नए व्यूअर्स हमारे लेक्चर पर जुड़े हैं, यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए एरोमेटिक हमने क्या पढ़ा था, हमने एरोमेटिक के अंदर देखा था सबसे पहला कि साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा देखा था प्लेनर होना चाहिए, मतलब हर एक जो कार्बन है या फिर जो भी हमारे पास एलिमेंट है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर बार कार्बन ही हो, कुछ ऐसे भी कंपाउंड हो गए जहां पर हमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन देखने को मिलेगा, उसके भी टाइप्स उसकी भी वीडियो अलग से बनेगी और अलग से ही हम पढ़ रहे होंगे। साइक्लिक प्लेनर और sp2 कार्बन होंगे वहां पे, यहाँ sp2 एलिमेंट होंगे। हक्कल रूल को फॉलो कर रहा होगा, हक्कल रूल क्या था, हक्कल रूल अच्छा डायमैग्नेटिक था, डायमैग्नेटिक हक्कल रूल था 4n+2π रूल, मतलब अगर किसी में कितने n इज आर होल नंबर 0, 1, 2, 2, 3, 4 है ना, मतलब कितने होंगे अगर हमारे पास 2π इलेक्ट्रॉन हो, 6π इलेक्ट्रॉन हो और 10π इलेक्ट्रॉन हो, 14π इलेक्ट्रॉन हो, अगर इतने इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन किसी भी कंपाउंड में होंगे तो वो सारे के सारे कैसे होंगे, एरोमेटिक होंगे। फ्रोस्ट डायग्राम से हमने भी समझा था और ऑर्बिटल डायग्राम से भी समझा था कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट कर रही होंगी, इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर ही होंगे। जिसको भी ये बात समझ में नहीं आ रही है तो डिटेल में एक बार वहां पर वीडियो में जाइए और देख लीजिए, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कुछ इस टाइप के थे। What about aromatic compound? इनके अंदर क्या-क्या खूबियां होने वाली है? तो देखो सबसे पहली बात, ये paramagnetic होने वाले हैं। क्यों होंगे अभी देखेंगे। दूसरी बात cyclic तो होगा ही, cyclic अगर cyclic नहीं है या फिर planar नहीं है तो non aromatic है, उसकी भी बात अलग में करने वाले हैं। मतलब sp2 तो यहां पर भी valid है, साइक्लिक भी वैलिड है, बट यहां पर रूल चेंज हो जाएगा, यहां पर 4n+2π इलेक्ट्रॉन रूल नहीं लगने वाला है, यहां पर क्या लगने वाला है 4n π रूल। मतलब क्या, मतलब ये कि आपको जो n है अब 4 की टेबल में मिलने वाला है, मतलब n तो होल नंबर ही है 0, 1, 2, 3, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 की टेबल है। 0 मींस व्हाट, 0 तो इसलिए बात करने की जरूरत नहीं है, 1 मींस क्या 4 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो एंटी एरोमेटिक होगा, 8π मिलेंगे तो हमारे पास एंटी एरोमेटिक होगा, 3, 4, 12π मिलेंगे तो एंटी एरोमेटिक होगा, 16, 20, 24 अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं तो हमारा जो मॉलिक्यूल है वहां पर एंटी एरोमेटिक होने वाला है। अगली बात, यहां पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे, यहां पर नॉन बॉन्डिंग में भी हो सकता है, यहां पर किसमें हो सकता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर भी हो सकता है। तो अगर ऐसी स्पेशलिटी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर मिलती है तो वो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। और ध्यान रखिए एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और जो लास्ट हमने नॉन एरोमेटिक जो हमें पढ़ना है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा अनस्टेबल भी एंटी एरोमेटिक ही है। तो आज के लेक्चर में हम एंटी एरोमेटिसिटी डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए एक एक करके दोबारा से चीजें, वैसे तो आप एक एक पॉइंट में ही समझ चुके होंगे कि क्या पढ़ा जा रहा है। तो एंटी एरोमेटिसिटी के अंदर सबसे पहले एंटी एरोमेटिसिटी, जब हम एरोमेटिसिटी की बात की तो सबसे पहले मैंने एक पॉइंट उठाया था है ना, एरोमेटिसिटी के अंदर मैंने बोला था कि अगर कोई भी साइक्लिक सिस्टम उसके ए साइक्लिक सिस्टम से ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, तो वो एरोमेटिक था। एग्जांपल के तौर पे मैंने ये ले लिया था CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, यहां पर ये उठा लिया था तो ये ज्यादा स्टेबल था। इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब नॉन एरोमेटिक के अंदर मैं क्या बोल रहा हूं, एंटी एरोमेटिक के अंदर मैं क्या बोल रहा हूं कि जो मेरा साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा वो लेस स्टेबल होने वाला है एज कंपेयर टू ए साइक्लिक सिस्टम लेस स्टेबल होगा। कैसे इस बात को जाने, इस बात को जानने के भी बहुत से तरीके हैं है ना, इसमें ये मोर स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी लिखी है मैंने, इस बात को जानने के भी बहुत से तरीके हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो जनरल उठा लो, अगर इसकी जगह मैं दूसरा मॉलिक्यूल लेने वाला हूं है ना, दूसरा एग्जांपल लूंगा, क्या लूंगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, ये एसाइक्लिक सिस्टम है, मतलब ये एसाइक्लिक सिस्टम है, ये उल्टा ही दिया, हां
एसाइक्लिक सिस्टम ठीक है। तो यहां पर ये जो एसाइक्लिक सिस्टम है ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू व्हाट साइक्लिक सिस्टम। साइक्लिक सिस्टम में क्या बनेगा, ये कुछ इस प्रकार का होगा, तीन कार्बन है और इस प्रकार का होगा। तो इसका मतलब यहां पर ये लेस स्टेबल है बट यहां पर ये ज्यादा स्टेबल है। ऐसा क्यों, इस बात को समझने के लिए बहुत से पॉइंट है। मान लो पहला पॉइंट अगर मैं उठा लूं, जो भी पॉइंट समझ में आए वो लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। बट पॉइंट समझने आपको सारे इंपॉर्टेंट है ताकि आप अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग अलग चीजें लगा रहेंगे। देखो पहली बात क्या है, इसका जो एंगल है ट्रायंगल एंगल 60 डिग्री, इक्विलेटरल नहीं है बट हाँ एंगल कम है, 180 नॉर्मल लीनियर का होता है तो एंगल कम है। ध्यान रखो जो थीटा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। अगर थीटा ज्यादा तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर थीटा कम तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब सोचो ना, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये क्या है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का काम इलेक्ट्रॉन को लेना खींचना, मतलब नेगेटिव चार्ज को अपने पास रखना पसंद करेगा, है ना। बट अगर थीटा कम है, थीटा मैंने बोल दिया इस ट्रायंगल का कम होता है, अगर थीटा कम है तो इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद नहीं करेगा, देना पसंद करेगा। दैट मींस ये ज्यादा स्टेबल है, एक बात। दूसरी बात जो है हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से समझ लेते हैं। मैंने बोला कि अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर चीजें आ रही हैं तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इसका तो मैं डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको वहां पर नहीं होगी, है ना। इसका देख लेते हैं क्या रीजन है। फॉर एग्जांपल मैं इसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता हूं, इसके तीन बनेंगे, एक दो और तीन, है ना। एक बॉन्डिंग, सपोज बॉन्डिंग, ये नॉन बॉन्डिंग, और तीसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर इसकी बात करूं तो फ्रोस्ट डायग्राम भी आप देखते हो, इस फ्रोस्ट डायग्राम का सर्कल हटा दो तो कुछ ऐसे ही लेवल बनने वाले हैं। वो क्या बनेंगे, वो कुछ इस प्रकार के लेवल बन रहे होंगे, है ना। एक ही होगा नीचे, दो यहां पर अलग होंगे, एक ही लेवल पे होंगे। मींस व्हाट, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं, दो और दो चार, चार इलेक्ट्रॉन है, एक दो तीन चार, यहां पर आगे यहां पर चार, दो एक दो तीन चार, चार इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया। देखो आपका ये जो सिस्टम है ये ज्यादा स्टेबल क्यों है, एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास तो जा ही नहीं रहे हैं बट यहां पर ये एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास जा रहे हैं, एक बात। दूसरी बात क्या, मैंने बोला था अच्छा पहले ही कि ये जो एंटी एरोमेटिक होंगे पैरामैग्नेटिक होंगे, तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर साथ के साथ ही हो जाना चाहिए कि अगर एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन आए वो भी अनपेयर्ड तो हमारे पास चीजें कैसी होंगी, पैरामैग्नेटिक होगी। इसके अंदर सिस्टम थोड़ा अलग है, भले ही मैं दोबारा रिवीजन करा देता हूं, सर्कल ऐसा ही बनने वाला है, ये बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग, कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो यहीं पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ज्यादा स्टेबल है। बट यहां पर क्या, तीन, एक दो तीन, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, कितने इलेक्ट्रॉन है, दो है, एक और एक दो। तो आपकी जो सिस्टम है वो हर एक टाइप से आपको स्टेबिलिटी आपको समझ में आ रही होगी, सारे के सारे कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो आई होप, अच्छा मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं रब करता रहता हूं, तेज बोलता रहता हूं, आप चीजों को रोक के समझ सकते हो, स्लो करके समझ सकते हो, अच्छे अच्छे फीचर्स हैं यूट्यूब पे, तो कम टाइम में ज्यादा चीजें सीखने की कोशिश करें। तो एंटी एरोमेटिसिटी का नेक्स्ट पॉइंट हक्का रूल की मैं बात करूंगी, चलो मैं इसी की बात कर लेता हूं कि हाँ अभी ये स्टेबल है। अगर मैं बात करूं इसकी ये क्या है, ये भी तो 4n pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4n pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो इसका मतलब भी क्या है, ये हक्कल रूल, ये 4n pi रूल को फॉलो कर रहा होगा, 4n pi रूल को फॉलो कर रहा होगा, तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। ये भी क्या होगा, दो दो चार इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो बहुत छोटा सा और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, है ना। नॉन एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी कि ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होने वाला है, पॉजिटिव लोब्स जो है, नोड्स जो है, ये पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बात की है छोटी छोटी कि हाँ अगर मैं बात कर लूं इनके लोब्स की या पॉजिटिव की। फॉर एग्जाम्पल मैं उठा लू ये साइक्लोनी, दिस इज ब्यूटाडाइईन, मतलब क्या CH2 double bond CH2। अगर मैं ये उठा लू 1 2 ब्यूटाडाइईन 1 2 3 4, ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये भी एक 4 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही है, दो ये कुछ इस टाइप का ही सिस्टम है, बस ये साइक्लो है। तो मतलब ये सिस्टम ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस। क्यों, चलो इसको भी अलग से देख लेते हैं ताकि आपको ज्यादा एग्जांपल मिलके ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और तो क्या है, है ना। देखो अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊं फ्रोस्ट डायग्राम तो ये ऐसा बन रहा होगा, बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, लिख लो बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग
एंटी बॉन्डिंग। कितने इलेक्ट्रॉन है जी? दो दो चार हैं, एक दो तीन चार नॉन बॉन्डिंग में आ रहे हैं। ए साइक्लिक सिस्टम का देख लेते हैं, ये चार है ऑर्बिटल्स, या फिर एक दो तीन चार ऐसे भी बना सकता हूं, ठीक है। पॉजिटिव लो, पॉजिटिव लो, पॉजिटिव लो, मतलब जीरो नोड। पॉजिटिव लो, पॉजिटिव लो, यहां पर नेगेटिव लो, यहां पर नेगेटिव लो, मतलब वन नोड, यहां पे जीरो नोड। नोड मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन को पाने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। एक नोड, दो नोड, यहां पर भी कितनी नोड होने वाली है, ये तो मैंने गलत बना दिया, एक नोड और अब ये यहां पे क्या होगी, दो नोड। तो यहां पर कितनी नोड होगी, दो नोड होगी। तीन नोड यहां पर होगी, एक एक नोड, दो नोड, और यहां पर तीसरी नोड, तीन नोड। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है नोड का भी, ट्रिक भी है साइक्लों के अंदर, ऐसी ही ट्रिक जाने वाली है, जीरो वन टू थ्री। तो यहां पर ये जो अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, अलग अलग चीजें हैं, ये अलग अलग लेवल्स को दर्शा रही है, वन टू थ्री फोर, फोर लेवल्स है। इलेक्ट्रॉन भी चार इसी प्रकार से भरे जाएंगे, तो ये इसकी स्टेबिलिटी है, टोटल फोर बन रहे हैं, है ना। यहां पर दो एक ही लेवल पे हैं, एक ही लेवल मतलब इनकी एनर्जी सेम है, इनकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है ना, बट ये जो एनर्जी हुई इसके लास्ट ग्राउंड लेवल की वो सबसे कम है, और जिसकी सबसे कम एनर्जी होती है वो जब सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बात समझते हैं, जो जितना ज्यादा स्टेबल उसकी उतनी ही एनर्जी कम होती है। तो आई होप एंटी एरोमेटिक सिटी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी, कोई ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपको एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक में पहचान ना जाए तो आप इजीली पहचान पाओगे। नॉन एरोमेटिक हम अगली वीडियो में कर रहे होंगे, तो शेयर जरूर करें, और इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक मैं नीचे दूंगा, फॉलो करें, वहां पर शॉर्ट्स और रील्स में बिल्कुल सारी सारी चीजें इक्विवेलेंट पढ़ाई जा रही हैं। थैंक यू।